तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चे लोगों का टॉयस और इसके अलावा बच्चे लोगों का टिफिन बॉक्स वगैरह का यहाँ दुकान। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो एक के बाद एक होम डेकोरेटर सामान के दुकान सजे हुए हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज किस ब्लॉग में कोलकाता का चीना मार्केट एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो अभी मैं उपस्थित हूँ कोलकाता का हावड़ा ब्रिज के सामने और यहाँ से चलते हैं कोलकाता का चीना मार्केट बराबर क्रॉस करते हुए और ये है बर्बन रोड ब्रिज। तो इस तरह से चलते हैं सीधे की तरफ और आपको दिखाते हैं कोलकाता का चीना मार्केट एक्सप्लोर करके। चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो जैसे आप हावड़ा ब्रिज के एंड से सीधा आते हो तो यहाँ पर आपको कोलकाता बारह बाजार का ग्रोसरी मार्केट दिख जाएगा। तो यह कोलकाता का ग्रोसरी मार्केट और यहाँ से आपको सीधा की तरफ चलना है और उसके बाद आपको कोलकाता चीना मार्केट दिख जाएगा। तो चलिए आगे तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कोलकाता का चीना मार्केट एक्सप्लोर करके। और ग्रोसरी मार्केट से कुछ आगे आने के बाद यहाँ पर आपको एमजी रोड दिख जाएगा बारह बाजार का। तो ये है बारह बाजार का एमजी रोड। तो इसे क्रॉस करके आगे तरफ चलते हैं। तो इस ब्रिज से जैसे आप सीधे की तरफ चलते हैं और इस ब्रिज के जैसे ही एंड होता है वहाँ पे कोलकाता का चीना मार्केट का स्टार्टिंग होता है। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस ब्रिज के एंड से कोलकाता चीना मार्केट। और यहाँ से टर्निंग लेना है आपको। टर्निंग लेते ही दो मिनट पहले चलते ही आपको इस ब्रिज का एंड दिख जाएगा और इस ब्रिज का एंड होते ही कोलकाता चीना मार्केट स्टार्टिंग होता है। और जैसे दो मिनट पहले चल गया तो यहाँ पे इस ब्रिज का एंड हो जाता है। तो इस ब्रिज का एंड होने के बाद ही रोड के उस पार में है कोलकाता का चीना मार्केट। चलिए चलते हैं। तो फाइनली रोड की इस पार आ गया चीना मार्केट के सामने। तो ये है चीना मार्केट के सामने का व्यू। अब अंदर चलते हैं चीना मार्केट का और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। और ये है चीना मार्केट के अंदर एंट्री करने का रास्ता। तो इस रास्ते से एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं चीना मार्केट के अंदर का व्यू। तो फाइनली गाइस इस चीना मार्केट के अंदर एंट्री कर गया और एंट्री करने के बाद आपको एक के बाद एक यहां से दुकानें दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देख पा रहे हो एक के बाद एक यहां पे दुकानें दिख रहे हैं। तो यहां पर आपको किसी प्रकार का गारमेंट्स का दुकान नहीं दिखेंगे। यहां पर आपको स्टूडेंट का स्टेशनरी सामान का दुकान दिख जाएंगे जैसे कि खाता कलम पेंसिल बॉक्स टिफिन बॉक्स वगैरह। तो कोलकाता के इस चीना मार्केट में स्टूडेंट के स्टेशनरी सामान के अलावा होम डेकोरेटर सामान भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो कोलकाता के इस चीना मार्केट में काफी ऐसे दुकानें हैं जो होलसेल है और काफी ऐसे दुकानें हैं जो रिटेलर दुकानें हैं। तो अगर आप होलसेल प्राइस में यहाँ से बाय करना चाहते हो, अगर आप दुकानदार हो तो यहाँ से होलसेल प्राइस में बाय कर सकते हो और अगर आप रिटेलर हो तो यहाँ से आप रिटेल प्राइस में आसानी से बाय कर सकते हो प्रोडक्ट और रिटेल प्राइस में सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चे लोगों का टॉयस और इसके अलावा बच्चे लोगों का टिफिन बॉक्स वगैरह का यहाँ पर दुकान सजे हुए हैं। तो चलिए और आगे तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस कोलकाता चीना मार्केट का आएगा व्यू और एक के बाद एक जो दुकानें सजे हैं उसका आपको व्यू दिखाते हैं। तो कोलकाता के इस चीना मार्केट में काफ़ी क्राउड है और यहाँ पर विशेष करके जो रिटेलर व्यापारी होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से होलसेल प्राइस में प्रोडक्ट बाय करते हैं और रिटेल प्राइस में सेल करते हैं। तो इस चीनिया मार्केट के और आगे तरफ चलते हैं और आगे का व्यू दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कितना बड़ा है ये कोलकाता का चीनिया मार्केट और कहां तक फैला हुआ है। चलिए और आगे तरफ चलते हैं। तो यहां पे गाइस देख सकते हो एक के बाद एक होम डेकोरेटर सामान के दुकान सजे हुए हैं और डायरी वगैरह की दुकान सजे हुए हैं। तो और अंदर की तरफ चलते हैं इस कोलकाता के चीनिया मार्केट के। बोलो इतना
तो इस चीना मार्केट में कॉपी कलम और इसके अलावा पेंसिल बॉक्स यानी कि स्टूडेंट के स्टेशनरी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट लोग के लिखने का स्लेट मिल रहा है, वो है 60 रुपये दर्जन। तो यहाँ दर्जन के हिसाब से रिसर्च करके जो प्रोडक्ट है होलसेल मिल रहे हैं। तो इस सिनेमा मार्केट के हर दुकानों पर आपको काफी क्राउड दिख जाएंगे। तो और आगे तरफ चलते हैं और आगे का व्यू दिखाते हैं। और इस सिनेमा मार्केट में आपको व्हीकल सजाने के काफी सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे जो दुकानों पर सजाए गए हैं। तो और आगे तरफ चलते हैं और आगे व्यू दिखाते हैं इस कोलकाता सिनेमा मार्केट का। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो एक के बाद एक टोटली स्टूडेंट के स्टेशनरी सामान के दुकान सजे हुए हैं। तो और अगर तरफ चलते हैं तो इस चीना मार्केट में आपको डायरी वगैरह और इसके अलावा पेन पेंसिल वगैरह की दुकानें दिख जाएंगे। तो यहाँ विशेष करके आपको होलसेल दुकानें दिखेंगे। और इस सिनेमा मार्केट में यहाँ पर स्टोव वगैरह और इसके अलावा पूजा के सामग्री वगैरह के सामान भी मिल रहे हैं। बच्चों लोग गुरुदेल और इसके अलावा खाम कवर डायरी वगैरह के दुकानें आपको दिख जाएंगे एक से एक। तो कोलकाता के चीना मार्केट काफी बड़ा है और आगे तरफ जाते हो तो और भी आपको स्टेशनरी दुकान दिख जाएंगे और इस रास्ते में जाने के बाद आपको दिख जाएंगे। तो इस टर्निंग पॉइंट से चारों तरफ फैला हुआ है चीना मार्केट। तो और आगे तक चलते हैं और भी जो दुकान है उसको एक्सप्लोर कर दिखाते हैं। तो कोलकाता के सिनेमा मार्केट के एक टर्निंग पॉइंट से आगे आते हुए एक और टर्निंग पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ पर चारों तरफ फैला हुआ है कोलकाता का सिनेमा मार्केट। और इस रास्ते से आगे तरफ जाते हो तो आपको और भी फैला हुआ दिख जाएगा कोलकाता सिनेमा मार्केट। अब रास्ते किनारे कुछ बैग वगैरह के शोल्डर बैग वगैरह दुकान में बैठे हुए हैं। तो इस टर्निंग पॉइंट से और आगे तरफ चलते हैं और आगे का व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पे कुछ होम डेकोरेटर व्हीकल्स डेकोरेटर सामान के दुकान सजे हुए हैं। तो इस तरह से जैसे आप आगे तरफ जाते हो तो आपको
बर्बन रोड दिख जाएगा और बर्बन से कुछ दूर पर ही है कोलकाता का बगरी मार्केट। चलिए आगे तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर आपको रास्ते किनारे एक के बाद एक ज्वेलरी वगैरह के दुकान दिख जाएंगे। चलिए और आगे तरफ चलते हैं। तो फाइनली गाइस कोलकाता का चीनिया मार्केट से चलते हुए आ गया कोलकाता का बगरी मार्केट टर्निंग पॉइंट पे। तो ये है बगरी मार्केट का टर्निंग पॉइंट और इस रास्ते के उस पार में ये कोलकाता का बगरी मार्केट। तो ये था कोलकाता का चीनिया मार्केट। तो आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक देख के जय हिंद।